बीजेपी का लगातार प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन के बीच किस तरीके से जुमा झपटी हो रही है आप एक सीधे तस्वीर पर देख सकते हैं। कुछ दूर में विधानसभा है और उससे पहले किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, ये सीधे तस्वीर में आप देख सकते हैं। हमारे साथ भाजपा के महामंत्री उपकार चंद्राकर, उनसे बातचीत करेंगे। आज एक बार फिर से मोर आवास मोर अधिकार को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आक्रामक आंदोलन। बिल्कुल, भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार को जगाने के लिए आज हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की फौज विधानसभा में पहुंच चुकी है। आज विधानसभा में कब्जा जमाकर इस भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। 16 लाख गरीबों को ठगने वाला यह भूपेश बघेल, आप देख सकते हैं हम बैरिकेड तोड़ चुके हैं और विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। भारत माता की तरफ से बोलते हैं, प्रदेश भर में नारा गूंजता है, भूपेश से तो भरोसा है, लेकिन आज क्या लगता है जो विशाल जनसमूह है वो 2023 की तैयारी है? ये विशाल जनसमूह इस बात का संकेत और इस बात का सबूत है कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल से त्रस्त है, इस भ्रष्ट भूपेश बघेल से त्रस्त है। 16 लाख गरीबों के आवास को रोकने वाला ये ठगिया भूपेश, 2023 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और इस भूपेश बघेल को हम मात देंगे। लगातार देख सकते हैं कि तस्वीर है और तस्वीर में किस तरीके से तो तस्वीर आ रही है, लगातार बीजेपी और भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो लगातार पुलिस से झूमा झटकी लगातार उनकी चल रही है और वो लगातार एक के बाद एक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सीधे तस्वीर देख सकते हैं राजधानी रायपुर का, जहाँ पर भाजपा के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता भी है और लगातार मोर आवास मोर अधिकार को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं राजधानी रायपुर से, जहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता है वो लगातार झूमा झटकी कर रहे हैं और लगातार ये जो प्रदर्शन वो चल रहा है। हमारे साथ गौरी शंकर अग्रवाल, उनसे श्रीवास, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है मोर आवास मोर अधिकार छीने भूपे सरकार? आज के जंगी प्रदर्शन ने और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को उत्साह ने इस बात को दर्शा दिया है कि आने वाला जो चुनाव है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आम गांव गरीब किसान की जो लड़ाई है इसका जिस प्रकार से प्रचंड विरोध आज यहां पर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा विरोध है जिसको प्रदेश की जनता याद रखेगी कि आज जनता की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों के बीच में, आंसू गोलों के बीच में, पानी के फव्वारों के बीच में लड़ाई को लड़ा है और हमने विजय सिर्फ हासिल। कार्यकर्ताओं चोटिल भी हुए हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। देखिए, पुलिस यही कर सकती है, पुलिस डंडा चला सकती है, आंसू गैस चला सकती है, हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकती है। पुलिस चोटिल कर सकती है, जेल में डाल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में बंद नहीं कर सकती। जो हमारी हौसले है और जो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था उस संकल्प को आज हमने पूरा करके दिखाई, हमारी जीत है। 2023 में संकल्प पूरा हो जाएगा, निश्चित तौर पर पूरा होगा। ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है और सत्य की लड़ाई को पुलिस नहीं रोक सकती, इस बात का सूचक है। देखिए आपके सामने कितना बड़ा किला ध्वस्त हुआ है, ये भूपेश बघेल जी का किला ध्वस्त है, ये सरकार का किला ध्वस्त हुआ है आज, जिसमें आज हमने विजय श्री प्राप्त किया है। एक और देख रहे हैं कि प्रदेश में भूपेश से तो भरोसा का नारा गूंज रहा है, आज भी उसको लेकर बीजेपी नेता काफी तंज कसे हैं, लग रहा है अब भूपेश से तो भरोसा है? भूपेश का भरोसा उसके मंत्री नहीं करते हैं तो जनता क्या करेगी? भूपेश का भरोसा तो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से पूरी जनता का और खासतौर से कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ में प्रदर्शन किया है, ये बहुत बड़ा अपने आप में संकेत है, इस बात को भूपेश बघेल जी समझ ले। संकेत है और संकेत बहुत कुछ कहती है क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये प्रदर्शन है वो चलते आ रहा है और सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार झूमा झटकी यहाँ पर चल रही है बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच, वो कहीं ना कहीं अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विजय शर्मा जी है, महामंत्री है, लगातार एक बैरिकेडिंग के बाद एक बैरिकेडिंग तोड़ते जा रहे हैं। मेरा ना सांस फूला है, सांस फूल गए, सामने में बम फूट गया ना, बहुत जल रहा है आंख और चेहरा और सांस फूला है, मैं थोड़ी बाद में बात। तो ये हम लगातार बता रहे हैं कि आंसू गैस छोड़े गए, उस आंसू गैस में जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इसमें हताहत हुए हैं, जिसको लेकर वो अपने आप में असहज महसूस कर रहे हैं। आप सीधे तस्वीर भी हम कुछ ही देर पहले देखे हैं कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साहु वो बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी आगे लगातार बढ़ती गई एक के बाद एक बैरिकेडिंग तोड़ते गए तो कहीं ना कहीं जो अंतिम जो कील वो साबित हो रहा है, तो देख सकते हैं लाठी चार्ज की स्थिति बनी हुई है, झूमा झटकी का लगातार दौर है वो जारी है। तो सीधे तस्वीर में लगातार हम आपको एक एक वो तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी के इस आंदोलन से और बीजेपी के इस अभियान से। तो एक और जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर ध्वस्त किया है, तो निश्चित तौर पर लगातार एक बैरिकेडिंग के बाद एक बैरिकेडिंग तोड़ते जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज है लेकिन कार्यकर्ता रुकने का नाम नहीं ले रहे। मेरे चौकी
राहुल के साथ टीके शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़।